हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर में किस तरह से आप जा सकते हैं ऑन ट्रैवल वीज़ा, और वो भी काफ़ी आसानी से। कोई भी यहां पर रिजेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं अगर आप हमारी जो इस वीडियो में दी गई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं। तो बिना कोई देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, और जाने के लिए आपको जो है कई सारे एजेंट हैं मिलते हैं जो कि आपको कई सारे वादे करते हैं। कई सारे यहाँ पे जो है गलत धारणाएं चल रही हैं, कई लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं सिर्फ ट्रैवल वीज़ा के लिए, जो कि काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमारे जो दो पेड मेंबर थे जिन्होंने कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है, उनको चाहिए था ट्रैवल वीज़ा सिंगापुर का, जिसको हमने दिला दिया है, और ये काफ़ी जल्दी हो गया, विदिन टू डेज़ हो गया उनका सिंगापुर का ट्रैवल वीज़ा। किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमने किया है उनके लिए, उनको कोई भी पैकेज चलता था, उनके पास पैसे थे तो वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट था, बैंक बैलेंस भी पहले से उनके पास था तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनके पास जो है 7-7 लाख के बैंक बैलेंस पहले से थे, तो इसकी वजह से हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी रहा। हमने जो किया बेस्ट काम कि मेक माई ट्रिप में हमने उनके लिए एक पैकेज चूज़ किया, और उस पैकेज में उन दोनों लोगों को एनरोल कराया। मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब आपको फ़ोन नंबर, आपका पासपोर्ट का नंबर, फिर जो है आपके जो फोटोग्राफ्स, वो सारी चीज़ें आपको मेक माई ट्रिप में देना पड़ता है और जो है पेमेंट करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पे वीज़ा असिस्टेंट मिल जाता है आपको, मतलब आपका फ़्लाइट की बुकिंग वाला भी हो वहाँ पे, जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्लस आपका होटल का स्टे आपको मिल जाता है, प्लस आपका जो वीज़ा है ना सिंगापुर का ट्रैवल वीज़ा, उसके लिए भी वो लोग मदद कर देते हैं अगर आप उनके पैकेजेस से जाते हैं। तो यही हमने किया था। हमारे दो जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कि अपना जो 799 वाला यहाँ पे हमारा जो मेंबरशिप है वो लिया था, तो फिर हमने उनको फिर वहाँ पे उनके सारे डिटेल्स भर दिए, उनके फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए, उनका बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया, और फिर हमने उनके लिए जो बेस्ट सूटेड ट्रैवल प्लान था वो हमने ले लिया। फिर जो है हमने उनका वीज़ा फी भी पे कर दिया, और फिर विद इन 20 आवर्स हमको मिल गया था उनका वीज़ा का क्लियरेंस, जो कि हमें मेल में मिल गया था सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें फिर हमने अपने सब्सक्राइबर को भेज दिए। वो लोग भी खुश थे, हम भी खुश थे कि भाई इतनी आसानी से जब सब कुछ हो रहा है तो फालतू में लोग एजेंट के पास क्यों जा रहे हैं, वो तो मेरे को समझ में नहीं आया। और मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा कि जो हमने मेंबरशिप स्टार्ट की है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं एक ऐसे आदमी पर भरोसा करना चाहते थे जो कि उनको जेन्युइन गाइडेंस दे सके। तो वो लोगों ने कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट किया, जिसका कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है वैसे पैसे हैंडल करने में। तो हमारे सब्सक्राइबर के भी जो पैसे मिल रहे हैं, तकरीबन अभी हमारे पास जो है 33 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, सारे के फाइल्स चल रहे हैं, दो लोगों के वीज़ा हो गए, बाकी सारे के फाइल्स अभी चल रहे हैं। होप कि सबके वीज़ा लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, 100% की गारंटी तो कोई नहीं देता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि आपका वीज़ा लग जाए। किसी का वर्क परमिट है, किसी का कनाडा में जाना है, जैसे कि कनाडा में जिन लोगों का जाना है उन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, 6 से 7 महीने लग सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जो लोग गल्फ कंट्री खास करके टारगेट कर रहे हैं, मैं होप कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ में जो है आपको वीज़ा दिला सके, क्योंकि हमारे पास भी कुछ वैकेंसीज आ रही हैं खास करके टेक्निकल फील्ड से, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें भी मदद कर जा रही हैं, और फिर उस हिसाब से देखें देन हम लोगों को गल्फ कंट्री आसानी से भेज पाने की सोच रहे हैं। इवन आयरलैंड में भी कुछ हमारे पास वैकेंसी हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो 33 लोगों ने हमारा जो मेंबरशिप लिया है उनको निराश ना करूँ, और सारे के अगर हो जाएं देन बहुत अच्छी बात है। बट कैसे बोल देंगे, कुछ लोगों का कनाडा का ही टारगेट है तो वो एक अलग चीज़ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इमरान बोल के कोई एक है हमारे सब्सक्राइबर जो कि पेड मेंबरशिप तो ले लिया है, उन्होंने कमेंट भी किया था कि उन्होंने मेंबरशिप लिया है, लेकिन उन्होंने अपना ना तो अपना रिज्यूम भेजा है ना पासपोर्ट की कॉपी भेजी है, वो अलग चीज़ है। अगर आप इस तरह से करेंगे, मतलब 32 लोगों का हो सकता है, एक का नहीं हो सकता इमरान भाई का, क्योंकि उन्होंने ना तो रिज्यूम भेजा है ना तो अभी तक कोई कॉन्टैक्ट हमारे साथ किया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप हमारा जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं देन आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए मेल के थ्रू से कि भाई हमने आपका मेंबरशिप लिया है, ये हमारा रिज्यूम है, ये हमारे पासपोर्ट की कॉपी है, IELTS अगर दिया है तो ये हमारे IELTS के सर्टिफिकेट हैं, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, देन वो भी आप भेज दीजिए, ताकि जो है हम अपने एम्प्लॉयर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्रोच करें, और फिर देखें कि आपके लिए वैकेंसी है या नहीं है। अगर है तो फिर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों पर हमें वर्कआउट करना होता है। तो इमरान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज़
अपना CV जो है जल्दी से जल्दी bncuniverse@gmail.com में भेज दीजिए, ताकि हम आगे के आपका प्रोसेस कर सके। और बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड हैं हमारे मेंबरशिप में, वो लोग हमारे मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आपको ज्वाइन नाउ के बटन में क्लिक करना है, और जो भी पैकेज लेना चाहते हैं आप, वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप मेरे को भेज सकते हैं कि आपको कौन से वीज़ा पर जाना है। ऐसा कुछ मत कीजिए कि आप बोलें कि मेरे को PR पे जाना है, आप भेजो ही भेजो, मैंने अभी पैसे भर दिए हैं, तो वैसा नहीं हो सकता। आप अपने आप को पहले इवैल्यूएट कर लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी के लिए आ रहे हैं और कौन से कैटेगरी में आप फिट बैठ सकते हैं, उसके बाद ही आप जो है ये मेंबरशिप लीजिए, अदरवाइज ना लें, मेरा यही मानना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी डाउट हो तो हमें संपर्क कीजिए, ठीक है। और संपर्क करने के लिए आप हमारे gmail ID से हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से हमें संपर्क कर सकते हैं, इवन ट्विटर पे भी हम अवेलेबल हैं, जिसमें कि काफ़ी कम टाइम में बिताता हूँ, उसमें भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि सिंगापुर में हमने दो लोगों का यहाँ पे जो है ट्रैवल वीज़ा कर दिया है, और वो भी सिर्फ 2 दिन में उनका ट्रैवल वीज़ा आ गया था। तो ऐसे कई सारे मौके होते हैं जो कि आप फ़ायदा ले सकते हैं। मेक माई ट्रिप है, जिसमें काफ़ी सारे यहाँ पे पैकेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको वो सही लगता है, देन आप पैकेजेस पे डायरेक्टली भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। जनरली मेरा तो उनके साथ जो रहा है रिलेशन, वो बहुत अच्छा रहा है मेक माई ट्रिप का, तो उनके साथ मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा। और मैं तो बोल सकता हूँ मेक माई ट्रिप में वीज़ा लग ही जाता है, क्योंकि दो लोगों का हमने अप्लाई किया, दोनों का हो गया और काफ़ी इजीली हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा सा हिचकिचाहट था, बट जिस तरह से सक्सेस मिला, देन मेरे को भी लगा कि हाँ, हम अब और भी ट्रैवल वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो लोग भी ट्रैवल वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वो लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट PR अलग चीज़ है, बट ट्रैवल वीज़ा के ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आपको कहीं पर जाना है, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया मेल। ईमेल ID में जो है मैं लिंक में दे दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, देन लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।